So today we will get a feedback and also the information about a ptosis patient, how he has faced his life for so many years and how he got some help from our center today. So बताइए क्या बताना है? अपना नाम बताइए, क्या नाम था? मेरा नाम रोहन है और मैं लिवा में रहता हूँ और ये जो ptosis है since birth है. मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल में गया ट्रीटमेंट के लिए, बट सारे के सारे डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं हो सकता. कुछ कुछ डॉक्टर तो ऐसा कुछ बोले कि हम अनफिट है, मेडिकली अनफिट है, कुछ कर नहीं सकते हमें, ये आई को लेकर बिल्कुल ही अनफिट है. सो जॉब लेना या कुछ करना ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कभी. तो फिर लास्ट में सर्च करते 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 लास्ट में नेट पे हमको पता चला कि कुछ है आर्टिफिशियल आई को बोल के, तो मैम लिवा ने पता चला. तो फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर इनके पास आए, फिर इन्होंने मुझे ptosis crutches बना के दिया जो बहुत ही हेल्पफुल है. पता ही नहीं चलता कि ptosis था कभी, ऐसा कुछ फील नहीं होता. ptosis की वजह से आपका कोई एकेडमिक लाइफ अफेक्टेड हुआ क्या? बहुत ही हुआ. ptosis होना तो मतलब सबको बुली करते रहते हैं, जहाँ जाओ बहुत मजाक बनता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. अगर ptosis हुआ तो बहुत कुछ ही फेस करना पड़ता है. एकेडमिकली भी इसमें प्रॉब्लम आया, सोशली तो आता ही है बट एकेडमिकली आल्सो. पढ़ाई ये सब लेके फिर हैंड में पेन रहता है हमेशा, लगभग होता ही रहता है सब कुछ. अच्छा, ये क्रच एक बार पहन के बताइए आप सो कैसे पहनते हैं? अभी किसी को नहीं पता चलता है कि आपका आंख में ptosis है? नहीं, लगभग किसी को नहीं पता चलता. जब तक कोई ध्यान से ना देखे तब तक पता नहीं चलता है, और ध्यान से देख के फिर भी पता नहीं चलता. ध्यान से देखने से भी नहीं पता चलता लोगों के आपको ptosis है? नहीं, आप आँख के अंदर थोड़ी घुसेगा कोई, ऐसे दूर से देखने से नॉर्मली लगता है. इस ptosis के वजह से आपका क्या विजन का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ दिखाई देने में? हाँ, ptosis के वजह से मेरे को पहला तो स्क्विंट हो गया था, क्योंकि आई बचपन से बंद है तो वो काम फंक्शन नहीं करता था बिल्कुल, तो वो स्क्विंट हो गया था और विजन मेरा वीक हो गया था. तो मैं विजन 6/24 हुआ था पहले, फिर मैंने स्क्विंट को ऑपरेट करवाया तो फिर वो 6/18 पे आया मेडिसिन के थ्रू, और अभी मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो अभी ये 6/9 पे है. अभी विजन आपका 6/9 आ गया? हाँ, 6/9 पे, और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है. इसमें क्या विजन थेरेपी हो रहा है आपका? कुछ एक्सरसाइज है कुछ करने का? हाँ, बहुत कुछ है, मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, और एक डाइट चार्ट है जो मेंटेन करना होता है. तो आप ये चश्मा हर समय पहनते हैं? बाइक चला पाते हैं इसको पहनकर? हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं होता चश्मा पहन के कुछ भी करने में. वो और वो आप पे डिपेंड करता है कितने टाइम पहनना है. अच्छा लगे तो हमेशा पहन ले. आंख से पानी आना, सिर में दर्द और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है इसकी वजह से? वो पहले हो रहा था जब मैं स्टार्ट किए थे तब हो रहा था, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. अभी आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, अभी इसके साथ यूज्ड टू है. Now we will see. So if we look from side, nobody will be able to make out the crutch that has been attached with the frame. There are very small markings on the frame by which if anybody is seeing it very carefully will be able to make out that there is a crutch attached. If we look at the frame from the front, it looks like this, and you can see this is the crutch. This is a very soft fiber made of imported fiber and it does not hurt the lid. If you can see the patient who was wearing it, kitne mahine se pehen rahe aap? For around 2 months the patient is wearing and you cannot see any scar or injury to the lid. आँख भी बंद होती है बीच-बीच में इसे पहनने के बाद भी? हाँ, होती है सब. So the person does not have any blinking problem or any dry eye problem. Dryness होती है क्या आँख में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा,
So this is how the frame is, and now patient will show how he wears it. Sir, थोड़ा नीचे करके पहनिए. So he just holds the lid with this and he lifts it, and this is how he looks like with the crutch glasses. This is how the patient looks with the ptosis crutch glass. Aankh band kari. So you can see, open the eye. So you can see that the patient can also close his eyes, open his eyes, and he looks comfortable with the crutch glasses. Thank you.